जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केबीसी का सीजन 11 स्टार्ट हो चुका है और हाल ही में केबीसी का एपिसोड 7 भी आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम केबीसी के एपिसोड 7 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बताया गया है जो किसी कारणवश टीवी में एक घंटे का एपिसोड नहीं देख पाते हैं, तो इस छोटे से वीडियो में आप अमिताभ बच्चन जी के द्वारा सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको आंसर आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, आपको केबीसी के सारे एपिसोड इसमें मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंस्टाग्राम पर लाइक को इनमें से किस चिन्ह से दिखाया जाता, तो बताइए आंसर। तो इसका आंसर है दिल से। आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे और आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पर जब आप किसी को लाइक करते हैं किसी फ़ोटो को, तो कुछ इस प्रकार का साइन बन के आता है। तो इंस्टाग्राम पर लाइक को दिल से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सलमान खान की फिल्में वांटेड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और भारत सभी किस त्यौहार के आसपास रिलीज की जाती हैं। तो अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो आपको आंसर पता ही होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि सलमान खान की फिल्में जितनी भी होती हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, ईद के अवसर पर रिलीज की जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया था। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी के द्वारा पूछा गया था कि कवि निराला अपनी कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे में किस देवी से वरदान मांग रहे हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन इसका आंसर है सरस्वती। कवि निराला अपनी कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे में सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं कि हे माता सरस्वती, मुझको वर दो और मेरी कविताएं खूब हिट हों। तो जैसा आप जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सभी कविताएं खूब हिट रही हैं। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन पढ़ने वालों को ये आंसर इसका आता ही होगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता विवादों को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस संकेत का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए आंसर। तो इसका आंसर है इको मार्क। एग मार्क की बात करें तो मैं आपको अन्य फैक्ट भी बताता चल रहा हूँ। एग मार्क कृषि संबंधित संकेतों के लिए प्रयोग किया जाता है। ISI आप जानते होंगे, ये शुद्धता का परीक्षण करता है और वाटर मार्क कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट। तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 के IPL में किस क्रिकेटर को टूर्नामेंट की समाप्ति पर ऑरेंज कैप पहनने का सम्मान हासिल हुआ है। तो 2019 के IPL में डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप मिला था। ऑरेंज कैप क्यों मिलता है, तो जब कोई क्रिकेटर टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है तो IPL में उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, और जब क्रिकेटर कोई सबसे ज़्यादा विकेट लेता है तो IPL में उसको पर्पल कैप मिलता है। पर्पल कैप किसे मिला था, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट। इनमें से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले देश के पहले IITian थे। वेरी इजी क्वेश्चन भी है और डिफ़िकल्ट भी है, जो डेली करंट अफेयर्स देखते रहे होंगे उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले IITian थे मनोहर परिंकर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वे गोवा के मुख्यमंत्री थे। अब कौन है गोवा के मुख्यमंत्री, तो अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल कौन है, मृदुला सिन्हा हैं। नेक्स्ट। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या भारतीय उड़न लोमड़ी किस तरह का जीव है। देखने में क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है और सभी लोग इसको लोमड़ी ही टिक कर देंगे, लेकिन जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है चमगादड़। जो आपकी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स होती है, भारतीय उड़न लोमड़ी होती है, यह चमगादड़ की तरह होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था KBC में, इस हिंदी कहावत को पूरा करें, एक अनार सौ डॉट डॉट डॉट। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बीमार। आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार, अर्थात एक वस्तु एक ही होना लेकिन उसके चाहने वाले अनेक होना। नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए इनमें से किस शर्त को पूरा किया था। मोस्टली सभी लोगों को यह आंसर पता ही होगा, भगवान राम ने शिव भगवान का धनुष, पिनाक धनुष को उठाया था, तब सीता जी से उनका विवाह हुआ था। तभी भगवान परशुराम और भगवान श्री राम के बीच में संवाद भी हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक का नाम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो डेली स्टडी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन सिंपल भी है। तो निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? यस बैंक, आपने सभी देखा ही होगा, YES। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र 1956 तक किस राज्य का हिस्सा था, जब उसका बॉम्बे स्टेट में विलय कर दिया गया था? तो जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र था, ये 1956 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 2014 से कौन आसीन है? तो आपको आंसर पता ही होगा, अजीत डोभाल। अब इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा रही है और अजीत डोभाल का किरदार अक्षय कुमार शायद भर निभाएंगे, ऐसी बात चल रही है। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा KBC के एपिसोड 7 में पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली पल पल की अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस घंटी को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि KBC के एपिसोड के क्वेश्चन इस चैनल में अपलोड किए जाते हैं और बहुत ही कम समय में सारी जानकारी बताई जाती है। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। कोई कमी लगी हो या कुछ बताना चाहते हो, कुछ कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।